कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मेरठ गंगानगर स्थित डाउनटाउन मॉल में आज सुबह एकाएक धुएं का गुबार उठ गया। फायर ब्रिगेड व अन्य सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय उठी। धुएं के बीच ऊपरी मंजिल में फंसे बेहोश लोगों को रस्सी के सहारे टांगकर नीचे लाया जा रहा था। उधर से जो भी निकला और जिसने भी यह नजारा देखा वह अवाक रह गया। समझ नहीं आया कि यह क्या और क्यों हो रहा है। देखते ही देखते वहां भीड़ का जमावड़ा हो गया। लेकिन कुछ ही समय बाद यह भी समझते देर नहीं लगी कि डाउनटाउन में अग्नि संबंधी मॉकड्रिल का यह एक हिस्सा मात्र है, तो लोगों ने राहत की सांस ली। इसी क्रम में सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज में भूकंप संबंधी, जबकि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन वेदव्यासपुरी में अग्नि सुरक्षा व भूकंप संबंधी मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। दरअसल प्रदेश के 35 जिलों में आज राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा यह मॉक एक्सरसाइज कराई गई है। मेरठ में 5 स्थानों पर यह की गई। देखिए गंगानगर स्थित डाउनटाउन में हुई यह एक्सरसाइज। देखिए इस बार बहुत बड़ी एक ड्रिल और टेबल टॉप एक्सरसाइज और बाकी सभी चीजों की अर्थक्वेक और फायर हजार्ड की प्रिपेयरनेस के लिए NDMA द्वारा सभी मतलब 35 डिस्ट्रिक्ट्स जो इसके लिए प्रोन है उनकी एक ड्रिल यहाँ पे मेरठ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे रखी गई थी। इसमें आर्मी को भी रोप इन किया गया था और आर्मी के यहीं पे 18 तारीख को
टेबल टॉप एक्सरसाइजेस हुई, प्रेजेंटेशंस हुई, जिसमें सभी अलग अलग वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल के ऑफिसर्स ने आके बताया, चाहे स्टार डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से हो, चाहे फायर सर्विसेज से हो, सबके प्रेजेंटेशंस दिए गए, सबको सिनेरियोस दिए गए, इक्विपमेंट्स का प्रदर्शन हुआ और बाकी सभी चीज़ों पर चर्चा हुई। उसी के क्रम में आज 20 तारीख को मॉक ड्रिल्स ऑर्गेनाइज की गई। इसमें एक सेंट जोसेफ स्कूल है, वहाँ पे बच्चों को रेस्क्यू ऑपरेशन, प्लस एक डाउनटाउन है आपका मॉल है एक, वहाँ पे फायर का रेस्क्यू ऑपरेशन, इमरजेंसी हॉस्पिटल सेटअप करना, और अभी आप देखेंगे तो यहाँ IOCL का जो हमारी मेजर हजार्डस यूनिट्स हैं जो आइडेंटिफाइड है, मेरठ जनपद में 8 है, उनमें से एक है, तो वहाँ पे भी ड्रिल फायर की चल रही है। तो ये सब एक चीज़ करने का पर्पज़ यही है कि एक तो सभी लोगों को वो, क्योंकि आज के टाइम पे काफ़ी डिजास्टर्स हो रहे हैं, तो प्रिपेयर्डनेस रहे, क्लियर कट वर्क डिस्ट्रीब्यूशन रहे, उन्हें पता रहे किस टाइम पे क्या करना है। और कोशिश यही है कि इससे आज जो ADM बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के भी सब लेके जाएंगे, सीख के जाएंगे, उसके बाद अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में भी आगे इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो ये ड्रिल चल रही है और इवनिंग में आपको अलग से हम लोग पूरा ब्रीफ और एक प्रेस नोट भी जारी कर देंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।